गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज नेपाल में मेरा तीसरा दिन है और मैं कल इसी होम स्टे पे रुका था। हो सकता है यहाँ पे दो चार दिन और रुकूं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और होम स्टे का हिसाब किताब बहुत ही अच्छा है, उसको मैं विस्तार से बाद में बताऊँगा। तो आज हम एक जगह पर जा रहे हैं घूमने के लिए। एक दोस्त मिला है, वो इंजीनियर है, मेरे साथ ही रहता है, तो उनके साथ में जाते हैं घूमने के लिए पहाड़ के ऊपर। देखते हैं वहाँ का हिसाब किताब कैसा है। यहाँ का मौसम आप देखिए, चारों तरफ बादल ही बादल है। कभी बारिश होता है तो कभी धूप निकलती है, कभी स्नोफॉल होता है और ठंडा है, इसलिए जैकेट पहन के निकल रहा हूँ। प्रैक्टिकल बहुत है। मैं भी बैंगलोर पढ़ा, पाँच साल तो वहीं पे रहा। पता नहीं, मैं मुंबई रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पे मुझे आज़ादी मिल रहा है, कलकत्ता में भी ऐसा महसूस करता हूँ। कलकत्ता में मुझे डर नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आप कलकत्ता में जाओगे। लेकिन जैसे आपके बॉर्डर क्षेत्र है जहाँ से मैं आया था, बॉर्डर एरिया में जो होता है ना, टाउट आदमी आपको मिलेगा, चाहे इंडिया का हो चाहे नेपाल का हो। लेकिन अंदर की तरफ जब जाओगे तो इंसानियत है, बुरा भला हर जगह पे है, लेकिन नेपाल थोड़ा फ्रीडम लगता है मुझे। आपके नीचे दिख रहा था तभी? हाँ, अभी नहीं दिख रहा। ये अगर गिरेगा कोई आदमी और किसी चीज पे नहीं लटकेगा या तो नहीं पकड़ेगा, तो एकदम पूरा एकदम खाई में चला जाएगा। ये भी आप लोगों का प्रोजेक्ट है? ये सब वहाँ से मटेरियल निकल रहा है ना। अच्छा, वो डाल रहे हैं यहाँ पे। पत्थर भी मिट्टी के अंदर से निकल रहे हैं? सब निकल रहा है, यहीं का साइट इंजीनियर हूँ मैं। अच्छा, तो टाइम लग जाएगा, बहुत दिन लगेगा। अभी 2 साल का प्रोजेक्ट है। हाँ, वो तो लगेगा। अच्छा, गौतम बुद्ध का मंदिर है ये। गौतम बुद्ध का मंदिर शायद चाइना में ज़्यादा होता होगा ना? हाँ, प्लेस नेपाल है ना। अच्छा, हाँ, नेपाल है। तिब्बत में भी उधर जाके एक्सप्लोर किया है उसको। अच्छा, लेकिन नेपाल में पैदा हुआ था। नहीं, मुझे क्या है ना, ऊँचाई ऊपर चढ़ने की आदत नहीं है, तो ज़्यादा सांस फूल रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। फिलहाल अभी तो सही है।
बहुत गर्मी। ये भी आपका रिसोर्ट का अंदर ही है ना? नहीं, ये रिसोर्ट है? ये रिसोर्ट नहीं है। अच्छा। ये यहाँ का लोग सब ऐसे ही पार्क की तरह बनाया है। यहाँ के लोकल लोग। हाँ। नाम क्या है इस पार्क का? इसका मालूम नहीं। आत्मा घर जो बोले ना। हाँ। क्या है ऊपर? आत्मा घर। आत्मा मतलब समझते है ना, सोल मतलब जहाँ पे इंसान मरने के बाद। हाँ, तो यहाँ वहाँ पे कलेक्ट करके ग्रैंडफादर। हिंदी में बोलते हैं शमशान। शमशान नहीं तो मतलब शमशान हो गया आपको जहाँ जलाते हैं। जलाते हैं। ये क्या है? ये ऐसा है जैसे अच्छा। पहले ये सब एरिया था ना। हाँ। ये सब शमशान नहीं था। हाँ। शमशान मतलब वो गारने किचन टाइप का। हाँ, समझ गया, जहाँ पे कवर देता था। हाँ, कवर। और ये ऊपर ये अभी यहाँ को डेवलप करने के लिए एक छोटा सा घर बनाया आत्मा घर बोल के। जितना भी यहाँ का आत्मा था सबको उधर मंत्र तंत्र से उधर रखा। अच्छा, समझ गया। हम लोग बहुत ऊपर है ना, कम से कम कितना 2000 मीटर होगा? फील होगा ये नहीं, यहाँ से फील होगा कि कितना ऊपर है। ऊपर जगह फील होगा। चलिए ऊपर चलते हैं। बहुत ऊपर है यार। वहाँ पे रूम लेके अच्छा किया आपने, रोज इतना चढ़ोगे उतरोगे तो फिटनेस सही रहेगा। जिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत मेहनत है यार। ये है आत्मा घर। अच्छा, वो वाला आप जिधर से आए थे भेरेटार। अच्छा, उधर है वो जो मार्केट दिख रहा है। आए थे ना मार्केट। हाँ हाँ, उनकी गली। और धरन तो नीचे है, दिख नहीं रहा अभी, ये बादल से नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, लेकिन भेरेटार में बादल मतलब नीचे रहता है, लेकिन वहाँ से ऊँचा तो ये है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे आएगा वही तो, मतलब कभी आएगा कभी नहीं अनुसार आता है। अभी किसी टाइम आपको अभी काम कर रहे आधे घंटे में आपको साइट ही नहीं दिखेगा। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं दिखता रहेगा। ये सबसे ऊंचा है या इससे भी ऊंचा है पहाड़? पहाड़ तो बहुत है, इससे भी बहुत ऊंचा है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट इधर नहीं है ना? इधर नहीं है, वो तो बहुत दूर है। और इससे भी बहुत ऊंचा होगा वो। बहुत। चिड़िया है? बहुत तेज चल रहा है। काटेगा तो नहीं, लेकिन दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये बदन पे बैठ रहा था। चलो फिर उधर जा सकते हैं, आगे की तरफ कुछ है? देखिए अभी अभी आपको भेरेटार दिख रहा था ना। हाँ। अभी कहाँ देखें? तो ये है चाय का पत्ती। तो यहाँ पे खेती होता है या ऐसे लगा के रखे? ये खेती किया हुआ है। अच्छा, ये खेती किया हुआ है सारा चाय का पत्ती। हमारे वहाँ पे दार्जिलिंग में बहुत फेमस। दार्जिलिंग भी पहले नेपाल ही था ना? हाँ, मैं सुना दार्जिलिंग सुगोली संधि हुआ अंग्रेज के टाइम पे, वहाँ पे तो सब नेपाली ही बोलते हैं। दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक। गैंगटॉक भी एक जगह है। इंडिया में गवर्नमेंट जो है ना ज़्यादा रिच है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वही रिच है, क्योंकि यहाँ के मतलब कुदरत ने जो दे के रखा है यहाँ पे। हाँ। तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ करना ही नहीं। उस हिसाब से कमाई का जरिया नहीं है। जैसे कि मान के चलिए लोग कतार जाते हैं घूमने के लिए, दुबई जाते हैं, वहाँ पे कुदरत का कुछ है नहीं, सब आर्टिफिशियल है, फिर भी वहाँ पे वो लोग कमाई का जरिया बना लिया करके आर्टिफिशियल बना। हाँ, लेकिन यहाँ पे इतना सारा चीज़ है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि नेपाल में इतना अच्छा जगह है। मैं भी खुद, मुझे भी खुद पता नहीं था। मैं तो शिमला जाने वाला था, तो मेरा एक जो मतलब रिश्ते में चाचा लगता है वो यहाँ पे बिज़नेस के सिलसिले में आया था, तो उन्होंने बताया कि जिस मतलब जितना रुपया तुम शिमला में जाके खर्चा करोगे उससे आधे रुपया में नेपाल में पूरा घूम के आओगे, तुम्हारा खर्चा भी कम होगा और उससे भी अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा।
एक्सप्लोरर था। हाँ, तो शिमला को कैंसिल करके मैं नेपाल में आया, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 500 रुपया रोज़ का रेंट मिलेगा रूम, और रहना खाना तो 200-300 लगेगा। हाँ, तो उस हिसाब से मतलब यही सही है मेरे लिए। नेपाल का गवर्नमेंट अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, यहाँ पे टूरिस्ट लोग भरा पड़ा रहेगा, जैसे विदेशी लोग जो होते हैं। रोड जो है, रोड का कंडीशन ऐसा है, अगर वो रोड बना रहेगा, विदेशी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा सरकार को। पहाड़ में हर चीज के अंदर जान होता है, जैसे कीड़ा देखो कितना बड़ा बड़ा है, कुत्ता भी देखो कितना खूबसूरत है। जो खाना है ना एकदम ऑरिजिनल है, ऑर्गेनिक। तो अभी जाकर आप रूम पे रहोगे? हाँ, यही काम ही है ड्यूटी आपका। हाँ, और आज दिन भर में आओगे एक बार भी यहाँ पे? फिर आएंगे, मन हुआ तो। मन हुआ तो आओगे। और कभी एग्जैक्टली काम नहीं है ना हमारा, अब जो खनने का काम है वो मार्किंग कर दिए है, वही हिसाब से वो इंचार्ज करवा रहा है। अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो हम आके सुपरविजन देंगे। जो ओनर है वो तो आपसे पूछेगा। हाँ हाँ, कितना काम हुआ है, कब तक हो जाएगा? इधर 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 से वाला व्यू भी बहुत अच्छा है। चलिए आगे। इसलिए पहाड़ी लोग जो होते हैं ना हमेशा फिट रहते हैं। बहुत जिम काम ही नहीं है यहाँ पे। जिम का सबसे बड़ा चीज होता है स्पॉट लगाना, टांगों वाला जिम। पहाड़ चढ़ने में हो जाता है। देखने में लगता है कि ज्यादा दूर चढ़े नहीं है, लेकिन अगर बिल्डिंग के हिसाब लगाओगे ना तो 10-15 मतलब ये ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग। मदद यहाँ पे बारिश के टाइम पे पहाड़ मतलब गिरता तो नहीं है कभी? नहीं नहीं, लैंडस्लाइड होता है जगह जगह पे। कट जाता है, रुकिए ना, अपना ही तो है ना। हाँ, सब अपना ही। पीछे चढ़े या सामने? पीछे एक सेकंड बैठ जाता पहले। हाँ चलिए, जहाँ भी जाता है किला जाता है।